मत्ती अध्याय एक। इब्राहिम के वंशज दाऊद की संतान यीशु मसीह की वंशावली की पुस्तक। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब और याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए, तथा यहूदा और तामार से फिरिस व जोरह उत्पन्न हुए, फिरिस से हिस्रोन और हिस्रोन से एराम, तथा एराम से अमीनादाब उत्पन्न हुआ, अमीनादाब से नासोन और नासोन से सलमोन उत्पन्न हुआ, सलमोन और राहब से बोअज उत्पन्न हुआ, बोअज और रुत से ओवेद उत्पन्न हुआ, और ओवेद से ईसै और ईसै से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ, दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो उरिया की पत्नी थी, सुलेमान से राबाम उत्पन्न हुआ और राबाम से अबिया तथा अबिया से आसा, आसा से यहोशफात उत्पन्न हुआ और यहोशफात से योराम तथा योराम से उजिया, उजिया से योताम उत्पन्न हुआ और योताम से आहाज तथा आहाज से हिजकिया, हिजकिया से मनसे उत्पन्न हुआ और मनसे से आमोन तथा आमोन से योशिया, और बेबिलान को निर्वासित होते समय योशिया से यकुन्या और उसके भाई उत्पन्न हुए, बेबिलान को निर्वासित होने के पश्चात यकुन्या से सालतियेल उत्पन्न हुआ और सालतियेल से जरूबाबिल और जरूबाबिल से अबीहूद उत्पन्न हुआ, अबीहूद से इल्याकीम तथा इल्याकीम से अजोर, अजोर से सदोक उत्पन्न हुआ और सदोक से आखीम तथा आखीम से इलीहूद, इलीहूद से इलियाजर उत्पन्न हुआ और इलियाजर से मत्तान तथा मत्तान से याकूब, याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था और मरियम से यीशु उत्पन्न हुआ जो मसीह कहलाता है। इस प्रकार इब्राहिम से दाऊद तक सब 14 पीढ़ी हुई और दाऊद के समय बेबिलोन निर्वासन तक 14 पीढ़ी तथा बेबिलोन निर्वासन से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। अब मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई तो उसके समागम से पूर्व ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। उसके पति यूसुफ ने धर्मी होने के कारण उसे बदनाम न करने की इच्छा से चुपचाप उसे त्याग देने का विचार किया, पर जब वह यह सब सोच रहा था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसके स्वप्न में यह कहता दिखाई पड़ा, हे यूसुफ दाऊद के पुत्र, तू मरियम को अपनी पत्नी बनाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है, वह पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उसके पापों से उद्धार करेगा। अब यह सब इसलिए हुआ कि प्रभु ने जो वचन नबी के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। तब यूसुफ नींद से जाग उठा और परमेश्वर के स्वर्गदूत के आज्ञा के अनुसार उसे ब्याह कर ले आया और मरियम के पास तब तक नहीं गया जब तक वह पुत्र न जनी, और यूसुफ ने उसका नाम यीशु रखा।